Let us now move on to last question of the exercise. The question here is, give examples of polynomials px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm. And अलग अलग conditions, अलग अलग sections हैं, एक एक करके सब देखते हैं. सबसे पहले तो ये जो notations हैं इसका मतलब क्या है. Let px be dividend, px को हम dividend मान लेते हैं. gx be divisor, qx be the quotient and rx be the remainder. ठीक, तो फर्स्ट सेक्शन की बात करें, अगर फर्स्ट सेक्शन में आपको क्या प्रूफ करना है कि जो आपने पॉलिनोमियल्स अज्यूम किए हैं उनमें डिग्री ऑफ पी एक्स जो है डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल है, ये आपको फर्स्ट सेक्शन में शो करना है. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कोट करने हैं. तो एक पॉलिनोमियल अज्यूम करते हैं पी एक्स एज 2x² + 4x + 6. ये मैंने पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया है. एंड एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ले लेता हूँ मैं जी एक्स जो हमारा डिवाइजर है एज 2. तो जब आप इस पी एक्स को डिवाइड करेंगे जी एक्स से देखते हैं क्या होगा. तो पी एक्स की वैल्यू 2x² + 4x + 6/2. तो यहाँ पे वैसे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 2 कॉमन विल गेट x² + 2x + 3/2. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, x² + 2x + 3. ये आपका कोशेंट है क्यू एक्स और इससे रिमाइंडर आर एक्स कितना मिला आपको, 0. ठीक, तो अब आप देखिए आपको क्या शो करना था, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स. तो पी एक्स जो है वो आपको उसकी डिग्री कितनी है 2 और क्यू एक्स जो आया उसकी डिग्री भी कितनी है 2. तो ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आपको एग्जाम्पल्स ही कोट करने थे. सेकेंड सेक्शन की बात करूँ, अब आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं पॉलिनोमियल्स के जिसमें डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं. लेट पी एक्स बी 3x² + 3x + 3. ये मैंने पी एक्स ले लिया एंड जो डिवाइजर है जी एक्स उसको ले लेते हैं एज x² + x + 1. ठीक, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे पी एक्स ओवर जी एक्स ये आपको मिलेगा 3x² + 3x + 3/x² + x + 1. और फाइनली न्यूमिरेटर में हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x² + x + 1 और डिनोमिनेटर में x² + x + 1. एज सच तो ये टर्म कैंसिल हो गया. फाइनली आप जब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपको कोशेंट कितना मिलेगा, 3. तो ये आपका क्यू एक्स है और इससे रिमाइंडर आर एक्स कितना मिल रहा है आपको, 0. तो अब आप देखिए जो डिग्री ऑफ क्यू एक्स है वो कितना है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स कितना है वो भी 0. ठीक है, इस केस में डिग्री ऑफ क्यू एक्स एज वेल एज डिग्री ऑफ आर एक्स दोनों 0 है तो हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं. फाइनली आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना है, मतलब सेट ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या हो, 0. तो आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में भी डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितना है आपके पास, डिग्री ऑफ क्यू एक्स ये मिसप्रिंटिंग है वैसे, यहाँ पे डिग्री ऑफ आर एक्स है. ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स है यहाँ पे. तो देखिए फर्स्ट सेक्शन में भी जो डिग्री ऑफ आर एक्स था 0 है और सेकेंड सेक्शन में भी डिग्री ऑफ आर एक्स कितना है, 0. तो इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल फिर से आप रेप्लीकेट कर सकते हैं थर्ड सेक्शन के लिए. ठीक, सो बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ एंटायर एक्सरसाइज 2.3 फॉर द चैप्टर पॉलिनोमियल्स. लेट अस नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2.4.